भैया जी आपका शक्ल ऐसा उतरा हुआ क्यों है जी? जुलाब लगे हैं हमें। So guys, it's 11:45 in the evening। 12 बजे पापा का बर्थडे केक कट करेंगे हम लोग। सरप्राइज़ देने वाले थे बट पापा इतने बेशरम हैं, खुद ही सरप्राइज़ देते हैं नहीं। चले आते उठा के, भाई केक लाओ हमारे लिए, ये लाओ हमारे लिए, वो लाओ। तो अभी हम लोग एक स्किट रिहर्स कर रहे हैं यहाँ पे। मुखर्जी पहन के दिखाना। अरे पर दिखा दो, कर तो सही क्या करने वाले हैं। भाई साहब जो यहाँ पर तैयार है इनका स्टैंड रील के लिए। मुखर्जी नहीं, इसमें मेरे को इंस्पिरेशन दिया एक जन, उसका नाम है आशीष चाचल। हाँ जी, आप सुबह से बैठे हैं अभी तक चाय नहीं पिए जी? क्या किसने पिलाया नहीं तो हम क्या करें? क्या हो गया जी आपका शक्ल ऐसा उतरा हुआ क्यों है जी? जुलाब लगे हैं हमें। ऐसा क्या जी? आप रुकिए, आपके लिए मैं अभी अमृतांजन का पेस्ट बना के। 1 मिनट रुकिए, पहले मैं हक कर आता हूँ 4 बार। चलो तो रुक यार, हंसी हंसा दे रहा मेरे। वो नहीं रहा मेरे, लग जाएगा, मत करना ऐसा। मुखर्जी बाबू डायरेक्ट मैंने पहले सब चल उधर आ जा। ओह माय गॉड यार, ये बर्थडे याद रहेगा यार। 5 मिनट बचे हैं पापा के बर्थडे के लिए। जिंदाबाद। ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन। सो पापा जी हो गए हैं 58 इयर्स के। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फादर, हैप्पी बर्थडे। ये हम लोग पापा केक लाए हैं, बहुत प्यारा सा। कैसा लग रहा है पापा 58 होकर के? क्या लाइफ लेसन देना चाहेंगे आप 58 होने के बाद? लाइफ लेसन 58 के बाद, मैं अभी जवान हूँ और आप क्या हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या लेसन देना चाहते हो वो बताइए, जवानों को जो यंग हैं उनका बताइए। ठीक है, वही मैं कहना चाहता हूँ कि एवरीबॉडी शुड फील दैट मैं अभी जवान हूँ। ओके ठीक है, और इस स्पिरिट में आपको जीना है और उसी खुशी में रहना है, उसी खुशी में जीना है बस। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, थैंक यू। मैं ये आए बार बार दिन तुम जियो हजारों साल। सो गाइस, आज मैं व्लॉग नहीं कर पाया एंड मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ क्या क्या हुआ है। मॉर्निंग में एक कोविड टेस्ट हुआ है, कल और एक होगा। उसके बाद मैं गया हूँ, मुझे कपड़े लेने थे, यूनिफॉर्म, बॉलर सूट, वो सब मैंने आपको नहीं दिखाया। मैं ऑलरेडी पैक कर दिया बिकॉज आप लोग अगर देखोगे तो आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा कंपनी का क्या नाम है, जो मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहता हूँ। आई नो यार, आप लोग भी फैमिली की तरह हो, आई नो आप लोग भी फैमिली की तरह हो, बट यार फिर भी देखो ये सब डिस्क्लोज करना इज़ नॉट गुड फॉर मी। आप लोग तो मज़े ले लोगे बट फिर सज़ा हमें खानी पड़ेगी। बट द हैप्पीएस्ट पार्ट इज़, जाने से पहले वी आर सेलिब्रेटिंग हमारी फैमिली। पापा का बर्थडे आज, तो वी आर गोइंग फॉर अ सेलिब्रेशन। आज पापा के कम से कम मुझे 5000 का चूना लगवाना है कैसे भी करके, बिकॉज वो अपना पैसे निकालते नहीं हैं बहुत जल्दी। सो दिस इज़ हाउ आई एम ड्रेस्ड। ये हमारी मम्मी है, which you have followed is एक रील बनाने के लिए 2 घंटे जिसने लगाए उसको तो मैं बोलूँगा भाई गेट लॉस्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम। एंड यार हियर कम्स द ब्यूटी, द स्वैग। मैं इनको 10 में से आउट ऑफ 10 में आपको दूंगा रेटिंग -5 की, नो प्रॉब्लम। और ये है हमारे रंगीन मुखर्जी, ये जा रहे हैं इंटरव्यू देने दूसरी कंपनी में, आज रात को 9 बजे इंटरव्यू इनका। और बर्थडे बॉय बहुत ही तगड़े लग रहे हैं। सो गाइज वी आर गोइंग फॉर आउटिंग, नॉट आउटिंग, इट इज़ जस्ट अ फैमिली डिनर के लिए जा रहे हैं। बट द इशू इज़ कि यहाँ पर ये लोग फिर से चालू कर दिया, बहुत बेकार लगता है मुझे, कसम से बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। चलो चलो चलो, मतलब बैठ के खा सकते। मेरे पापा कार निकालने में बहुत परेशान होते हैं, इनका मुंह जो सड़ जाता है पता नहीं क्यों। नहीं नहीं वहाँ बैठते हैं, हमें वहाँ बैठते हैं, वहाँ। सो गाइस हमारी फैमिली पहली बार एक फैमिली डिनर पे आई है, इतना क्या बोलते बकचोदियाँ हो रही है ना यहाँ पे, तो मतलब जो नहीं ऐसे पहली बार ही है ना। हाँ वो तो यहाँ फोटोग्राफी चल रही है, यहाँ पर कुछ और चल रहा है, वहाँ पर कुछ और चल रहा है। मुखर्जी की लड़कियाँ पसंद आ गई हैं, क्या कर सकते हो, माहौल ही ऐसा। अरे घुमाओ तो सही इसको, तभी तो मज़ा आएगा, घुमाते रहो इसको। फोटोग्राफर ऑफ द ईयर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए ना, चलो टिप्स घंटा भी है भाई, 500 रुपया डिस्काउंट मिल गया, बहुत बड़ी बात। मास्क लगाओ यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, मैं तुम लोगों से फाइन ले लूँगा 200 रुपये का। नंगे में जाओ पर मास्क लगाओ बस। हाँ ओहो, मतलब मैं नंगा जा सकता हूँ पर मास्क लगाना, वहाँ से वायरस घुस गया तो सो गाइस वी हैड अ ग्रेट डिनर, बट मेरे पापा ने मुझे बहुत परेशान कर दिया, मैं कुछ बता नहीं सकता आप लोगों को इस बारे में।